कि यू फूल मी वंस शेम ऑन यू इफ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. तो आपने पीपल्स पार्टी को गुजरांवाला के जलसे से पीडीएम के पहले इजलास से किस तरह गेज किया हुआ था कि आपके लिए आज ये सरप्राइज है? क्योंकि देखें गलती आपने क्या की, गलती आपने ये की कि आपने अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने, मीडिया के सामने इस हद तक अपने आप को, पीडीएम को और अपनी कामयाबी को मुंसलिक कर दिया पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन के साथ कि आज जब वो आपसे हटी है तो लगता है कि पीडीएम खत्म हो रही है. हालांकि ये जरूरी नहीं था. पीडीएम सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है. आपने ये तासुर दिया था कौम को कि पीपल्स पार्टी नहीं है तो पीडीएम नहीं है. ये आपने तासुर दिया था. अब आप इसी की जो है खमियाजा आज भुगत रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी को इतनी लिफ्ट कराई थी कि आज जब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं तो लग रहा है पीडीएम खत्म हो रही है. हालांकि कोई जरूरी नहीं. आपका असूल अभी अपनी जगह है. आपने वोट को इज्जत दिलवाना है. आपकी सारी बातें अपनी जगह. बल्कि पीडीएम का मैं तो समझता हूं कि आज जो वोट को इज्जत दो की अहमियत अंडरस्कोर हुई है सेनेट इलेक्शंस के बाद, इतनी अहमियत तो कभी भी शायद नहीं थी. लेकिन आपने पीपल्स पार्टी के अंदर यू पुट ऑल योर एग्स इन देयर बास्केट एंड यू आर सफरिंग फॉर इट नाउ इन पब्लिक परसेप्शन. क्या कहेंगे? नहीं, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है जी आपसे. आप वैसे इसको इस नजर से देख सकते हैं जिस नजर से आपने तजिया किया है. लेकिन जब आप एक तहरीक चला रहे हो और आप 8-9-10 जमातें मुख्तलिफ जो हैं उनको लेकर साथ चल रहे हो तो आपको फिर निगोशिएशन के लिए, डिस्कशन के लिए, डायलॉग के लिए दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं. मेरा जो नुकता नजर जो तजिया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको इतिहाद के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश रखनी पड़ती है. और मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने ना सिर्फ जी बड़ा किया बल्कि निगोशिएट किया. कई दफा शुरू से ही हमारी पार्टी का मौका और जेयूआईएफ का मौका यह था कि हमें सड़क का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए. उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट में जिस जो तहकीर की गई है वोट की चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वो आपके सामने है. यानी 3 मुरब्बा फुट में अगर 7 या 9 कैमरे निकल आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जमहूरी प्रोसेस की हकीकत क्या है. 100 लोग जो पार्लियामान का हिस्सा हैं, सेनेटर हैं, यानी ये 2 लाख लोगों का इलेक्शन नहीं है, 2 मिलियन लोगों का इलेक्शन नहीं. 100 लोग पार्लियामानी लीडर, पार्लियामान का हिस्सा, पार्लियामान में बैठे हुए हैं और पार्लियामान में बैठ के कैमरों के सामने पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ लोग देख रहे हैं कि 3 मुरब्बा फुट में से 4 या 7 कैमरे जो है वो निकलाए. ये हकीकत है जमहूरियत की पाकिस्तान में. और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया था. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी. हमने ये फैसला किया था कि देखें इस तरह की जो जब चीजें होना शुरू हो जाए तो सड़क का रास्ता इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और हमें ये जो एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड रूल के तहत एक नाम दिया गया हाइब्रिड रूल जो असल में 1-पार्टी रूल है, तो हाइब्रिड रूल की हकीकत हमें अब लोगों के सामने लानी चाहिए. जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में पार्लियामान के बाएं जानब भी मुशर्रफ साहब के चाहने वाले होते थे और दाएं जानब भी चाहने वाले होते थे, तो अब हमारा ये ख्याल था कि ये जो असल हाइब्रिड रूल की हकीकत है पार्लियामेंट से रिजाइन करके हम लोगों के सामने ले आए ताकि ये ख्वाहिश हाइब्रिड रूल की पूरी हो जाए कि पार्लियामान के बाएं जानब भी खान साहब के चाहने वाले हों और पार्लियामान के दाएं जानब भी चाहने वाले हों खान साहब के. इससे हम समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये इललिजिटिमेट हो जाता है, इसकी लिजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाती. और जब किसी जमहूरियत में जब किसी चीज की लिजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाए तो फिर वो देर पा नहीं हो सकती, वो चल नहीं सकती. ये हमारा नुकता नजर था. पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं आप पार्लियामान के अंदर भी ये जंग करें. हमने काफी देर मसादिक साहब देखें वो आपके बात बिल्कुल ठीक है. आपने बड़े अच्छा बल्कि एक्सप्लेन किया कि रेजिग्नेशन जो है उससे आप दिखाना क्या चाह रहे थे. वेल एक्सप्लेन. बट देखिए आई एम नॉट क्वेश्चनिंग व्हाई एक दूसरी राय को आपने एंटरटेन किया. बिल्कुल करना चाहिए था. मेरे ख्याल से तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी दानिश की बातें भी की हैं. मुझे प्रॉब्लम यह है कि पीपल्स पार्टी को साथ रखना या रेजिग्नेशंस के हवाले से एक आपका डाइवर्जेंस होना ओपिनियन का, ये तो बहुत जमहूरी बात है. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि आपने क्या शुरू से यह मिसरीड नहीं किया कि असल मकसद ही पीपल्स पार्टी का वोट को इज्जत दिलाना है ही नहीं? क्या आपने ये मिसरीड नहीं किया कि शुरू से ही जो है यहाँ पे अपनी एक साख बनाने के बाद कंसेशंस लेना ही मकसद है? क्या आपने ये मिसरीड नहीं किया कि यहाँ इशू रेजिग्नेशन और नो रेजिग्नेशन का नहीं है? क्या आपने ये मिसरीड नहीं किया
कि जब रेजिग्नेशन को ना करनी थी तो नवाज शरीफ को इंसल्ट करके ना करना जरूरी नहीं था, और अगर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का यूसुफ रजा गिलानी को बनाना था तो बाप की मदद लेना जरूरी नहीं था, नवाज शरीफ की मदद ली जा सकती थी। ये इसका बताइए कि डिड यू नॉट रीड दिस राइटर? ये किसी हद तक आप बादी नजर में आप कह सकते हैं कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो लगता है शायद हमने मिसरीड किया हो, और इसका भी फैसला कितना मिसरीड किया है ये आने वाली पीडीएम की मीटिंग जिसमें पीपल्स पार्टी अपना मौका पेश करेगी, उससे पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात तो हमारे गुमान से नहीं गुजरी, गुजरी ना गुजर सकती थी कि बाप के साथ अलायंस करके पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन लेकर आएंगी। ये बात तो अजीबो गरीब है।